A very good afternoon, a very bad afternoon to you. I want to draw your attention on this matter, and this is the especially educated person. I don't say about any word uneducated person. मैं जितना आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो सिर्फ इसी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो बात यह है कि जो आजकल के जो शिक्षित जो वर्ग है, अगर मैं सीधा सा वर्ग को भी अगर यहाँ पर है जो संकेत करूँ, तो वो इतना रहेगा कि आजकल की सबसे पहले तो मैंने बात की है, और आजकल मैं मानता हूँ कि हर एक जो है लगभग लगभग सभी जितने भी जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनकी मैं स्पेशली बात करूँगा, सारा सब कुछ सब एजुकेटेड है। और लगभग आजकल जो अगर मैं मेरा लेवल अगर मैं एजुकेटेड मान सकता हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा है, कि जो मेरे से अप लेवल के हैं वो काफ़ी ज़्यादा है जो एजुकेटेड हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उनके हैं जो मात्र और मात्र या फिर ऑनली ऑन डिग्रीज़ के लिए, ओनली पेपर डिग्रीज़ के लिए। मैं इसके लिए इसके बिल्कुल भी खिलाफ़ हूँ, क्योंकि जो मैं ये इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शायद इस वक्त आप इसको देख रहे हो, एक बार इसकी डेट ज़रूर कीजिए। आई एम शूटिंग दिस वीडियो, अभी आप डेट देख के सारा सब कुछ ये इजीली पता लगा लोगे। इस टाइम जो है लोग जो भारत की जो जनता है, मैं बिल्कुल ना तो पॉलिटिशियन वे में आपसे बात कर रहा हूँ, और ना ही है जो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है किसी से लाभ प्राप्त करना, टू बेनिफिट्स आवर सेल्फ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मेरा जो अटेंशन आपकी तरफ खींचना है वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जो गरीब लोग जो है और जो अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं ड्यूरिंग कोविड-19, मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड लॉकडाउन में, ये जो कर्फ्यू जो चल रहा है, उनके पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए जो उनकी नेसेसरी जो थिंग्स है, या फिर मैं कहूँ जो बिल्कुल मैंडेटरी है जो थिंग्स है, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा उनके प्रॉब्लम आ रही है। इतना सारा सब कुछ आपको पता है। मेरी भारत सरकार से तो क्या, अब मैं सरकार का तो नाम बिल्कुल भी है, मतलब मैं यहाँ पर उनके लिए हैं जो आप शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करूँगा कि भारत सरकार को क्या उनको नहीं दिख रहा है क्या, लेकिन मैं तो सिर्फ यहाँ पर शिक्षित वर्ग को शामिल करते हुए इस बात को मैं आपको आकलन करके बता रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ कि आप शिक्षित हो, या फिर कोई भी जो भारत का जो निम्न स्तर है या फिर निम्न स्तर के जो व्यक्ति है, निम्न स्तर का जो वर्ग है, वो बिल्कुल भी नहीं मानता है कि एक शिक्षित जो व्यक्ति है वो किसे कहा जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति मैं उसे ही कहूँगा इस एरा में, इस युग में, इस काल में, जो मदद, जब जो शब्द है मदद, टू हेल्प अनादर, इससे मेरा शिक्षा का बिल्कुल, मेरी शिक्षा की परिभाषा यही रहेगी कि अगर आप शिक्षित हो तो आपको है जो ये जो लोग हैं या फिर कोई भी XYZ जो भी है उसकी आपको मदद करनी होगी। एक आनंदम ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात है, अभी अभी इसका है जो इनोवेशन हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ आनंदम ग्रुप, तो उससे भी यही है, उसका भी मोटिव यही है, उसका भी गोल यही है, उसका भी एम यही है, उसका भी लक्ष्य उद्देश्य यही है कि टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करते रहिए, और यही आपका शिक्षा का बिल्कुल संकुचित अर्थ नहीं होकर ये एक बहुत बड़ा विशाल अर्थ है, और तब है जो भारत के वासियों को या फिर जिनको आप मदद करोगे। अब मैं स्पेशली यूँ ही नहीं बोल रहा कि केवल गरीब की आप मदद करो, अरे नहीं, जितने भी जिसको मदद की ज़रूरत है उसे आप मदद कीजिए, वो कितना थैंकफुल रहेगा आपके प्रति, वो कितना ग्रेटिट्यूडनेसफुल रहेगा, वो उसको कितनी प्लीजरसमनेस होगी आपके प्रति। तो अगर इंडिया में मैं बात करूँ, अगर जितने भी जो ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझने में, कोई मेरे अगेंस्ट भी होंगे, विपक्ष में भी होंगे कि ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये बिल्कुल गलत है और कैसे गलत है, लेकिन अगर इस बात को अगर सभी अगर मानते हैं कि हमेशा हमें जो है एक दूसरे को मदद की दृष्टि से देखें, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी
आपके व्यक्तित्व के लिए भी, आपकी मानवता की पहचान के लिए भी, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपकी आपको पशुता की भांति कहीं ना कहीं दूर लेके जाएगा। दिस इज़ माई स्मॉल, नॉट अ लेक्चर, नॉट अ एडवाइस, नॉट अ ऑर्डर, दिस इज़ अ रिक्वेस्टिवनेस एंड पोलाइटनेस वर्ड फॉर यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड इम्प्लीमेंट इन यू। थैंक यू सो मच।